से अपने मॉम डैड के घर आती है और उन्हें कहती है, हमेशा शैरी ने आप लोगों का इतना ख्याल किया, आप लोगों को इज्जत दिया और आप लोग ये करते हैं शैरी के साथ। शैरी कहता है, इतना एटीट्यूड वो लोग मुझे दिखाते हैं, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ उसे सिर्फ उसकी माँ समझ सकती है और कोई नहीं समझ रहा। इसे रमज़ा को समझाती है कि तुम लोग उसे इज्जत नहीं देते जो उसे उसका हक है, लोगों से तो उसका ख्याल भी नहीं रखा जाता। वो अपनी माँ के गले लग के बहुत रोती है। अलीसे के बाप अपनी बेटी को देख के कहता है, बेटा अपनी हालत देखो, कोई भी खुशबाश इंसान उसकी हालत तुम्हारे जैसे होती है, तुमको देख के तो कहीं भी से भी नहीं लग रहा कि तुम खुश हो, तुम पे तरस आ रहा है अलीसे। दूसरी तरफ शैरी का बाप शैरी को समझा रहा होता है कि तुम उनके साथ ऐसा नहीं करो, वो बहुत सीधे लोग हैं। तो आगे से शैरी कहता है, वो मुझे खुश नहीं रखते, वो मेरा ख्याल नहीं करते, मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ। बात ये है कि वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। तो दूसरी तरफ अलीज अपने बाप को समझा रही होती है, बाबा प्लीज़ आप ऐसी बातें ना किया करें, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरा और शैरी का रिश्ता ख़राब हो रहा है।